जुमला होता है जा, पता क्या टाइम हो गया? यस करो नाश्ते का। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी YouTube फैमिली, प्यारे प्यारे से नए दिन के साथ। जब अपने कमरे में आके छोड़ गई थी ये मछली सुबह अपने कमरे में आके सो गई थी। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे बताएं आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। इतने दिनों से मैं गायब थी, आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा मिस किया, थैंक यू सो मच। और मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। और आ गई हूँ आज मैं एक स्पेशल कोलेब्रेशन के साथ। तो आज की वीडियो की कोलेब्रेशन है रूही खान, अरहम लाइफ स्टाइल और सैम्स ब्लॉग के साथ। और ये तीनों ही मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी सी दोस्तें हैं जो मुझे यूट्यूब के ज़रिए ही मिली हैं, और मैं बहुत लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इन तीनों के ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, और मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने इनकी वीडियो पर लाजमी जाना है, क्योंकि मेरी तरह आज ये भी अ डे इन माई लाइफ कर रही हैं। और इतने दिनों से वीडियो ना डालने का आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि क्यों, क्योंकि अभी भी पीछे से शोर शराबा हो रहा है और बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा मुझे कि मैं वॉइस ओवर कर सकूँ या एडिटिंग कर सकूँ। तो बहुत ही पुरानी वीडियोज़ भी मेरे पास पड़ी हुई हैं, इनशाला अब जो है ना मैं कोशिश करूँगी कि मैं अप टू डेट रहूं। तो नाश्ता करवाने के बाद बच्चों को मैंने समेट लिए थे थोड़े से कपड़े जो धोए हुए थे लॉन्ड्री से, और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। खाने में मैं क्या बना रही हूँ, खाने में मैं बना रही हूँ कीमा करेले। अब आप लोगों में से बहुत सबको सारे लोगों को रेसिपी का पता होगा, लेकिन मैं अपनी बताती हूँ कि मैंने पहले ऑयल गर्म करके उसमें प्याज ब्राउन किए, और फिर मैंने उसके अंदर से थोड़े से प्याज निकाल लिए थे, और फिर उसके अंदर कीमा डाल के अच्छी तरह से भुनाई कर ली। करेले मैंने पहले ही फ्राई कर लिए थे, लाए तो करेले बहुत ज़्यादा थे लेकिन बहुत छोटे छोटे से करेले थे तो इसलिए अंदाज़ा नहीं हुआ, और थोड़े से थे तो मैं ज़्यादा कीमा क्यों बना रही हूँ थोड़े से करेलों के लिए वो भी मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ। इसके अंदर मैंने डाल दी थी आधा कप दही, और अब मैं डाल रही हूँ बड़ी काली इलायची। इससे क्या होता है, मेरी मामा की ट्रिक है, इससे क्या होता है कि जो कीमे की स्मेल होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यहाँ US में पता नहीं क्यों इस तरह है कि जो बड़ा गोश्त है उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा नहीं है बनस्पत छोटे गोश्त में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, तो इसलिए हम लोग बीफ ही लेकर आते हैं। फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया ज़ीरा पाउडर, क्योंकि ज़ीरा भी मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ था, और मैंने डाल दिया इसके अंदर एक चिकन क्यूब। अब मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। साथ में मैंने इसमें डाली है लाल मिर्च और हल्दी आ रही है और क्या डाला है यार भूल जाती हूँ, सूखा धनिया। और ये कोई भी मेरी रेसिपी नहीं है, मैंने सिर्फ अपने तरीके से जितने मुझे अंदाज़े से लगते हैं मसाले में डालती हूँ। पहले तो मैं ढक्कन से निकाल के डाल लेती थी, लेकिन अब आप लोगों को दिखाने के लिए मैं जो हूँ वो चम्मच से करती हूँ। फिर मैंने लगा दिया था प्रेशर का ढक्कन, और इसको मैंने जो है वो अच्छी तरह से भुनाई कर ली थी प्रेशर खोल के। ऑयल हमने शुरू में डाला था जिसके अंदर हमने करेलों को और प्याज़ों को फ्राई किया था, तो इसलिए ऑयल मैंने दोबारा नहीं डाला। अब मैंने एक प्याली में धनिया काट के डाल लिया, और ये जो इसके अंदर से मुझे लग रहा था कि करेलों के साथ नहीं मैच करेगा कीमा, वो मैंने एक प्याली में निकाल लिया। अब उसका मैं क्या करूँगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी सी और भुनाई करने के बाद, क्योंकि कीमा तो पक चुका है, इसके अंदर मैंने डाल दिया टमाटर और साथ ही मैंने डाल दिए करेले। इतने सिंपल सी रेसिपी है, अगर आप कीमा जो है वो कुकर में बनाते हैं उसके बाद तेल डाल के भुनाई करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, और फिर करेले डाल के दम पे रख दें, करेलों को अलग से डीप फ्राई करके, प्याज़ों को डीप फ्राई करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ डिफरेंट की थी कि मिर्चों में मैं डालती हूँ खाली चीज़, प्याज़ और चाट मसाला। तो आज मैंने जो है इसके अंदर कीमा और चीज़ भरी थी, और इतनी ज़्यादा मैंने जो है ना तारीफ़ समेटी थी, और सब खुश हो गए थे खा के। मनहरिजा को बहुत पसंद आई थी, उमर को बहुत पसंद आई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ में मैंने बनाए थे बैंगन के पकौड़े। तो अब हो गई थी दोपहर, और बच्चों को मैंने देना था कोई स्नैक, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी बच्चों को नाश्ता किए हुए, तो बच्चों को मैंने दे दिया था तरबूज। तो माशाल्लाह से पापा भी घर पे थे आज, तो इन्होंने जो है बैठ के खूब इंजॉय की, रिजा के हाथ, सुल्तान के हाथ, और अब आएंगे शायद मनहा के हाथ तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, खाते पीते रहे। आज का दिन तो काफ़ी बिजी गुजरा था, और तकरीबन हमारा हर दिन इसी तरह से गुजरता है कि पता भी नहीं चलता दिन कब ख़त्म हो जाता है।
तो जी ये वो है किचन सेट जो मन्हा लेकर आई थी लंडे से. एक्चुअली लंडा नहीं कह सकते, उसको हिराज कह सकते हैं, सऊदीया का हिराज कह सकते हैं, और यहाँ पर उसको स्वाप मीट कहते हैं. तो जी जनाब बज गए थे 3, और 3 बजे क्या हुआ था पाकिस्तान की याद दिलाती हूँ मैं आपको, चले मेरे साथ. चूज करो जल्दी जल्दी कौन सी खानी है वहां से. नहीं नहीं ये यहाँ ये पिक्चर्स लगी हुई है जो, क्योंकि हम पिछले साल पाकिस्तान रह कर रहे हैं तो मेरे बच्चों को पता है कि वॉल्स की वहाँ पर कार्ट आती थी, और यहाँ पर भी इतने एक्साइटेड हो जाते हैं जब गाड़ी आती है आइसक्रीम की. तो यहाँ से आइसक्रीम लेने के खाने का मज़ा ही और है, बजाय इसके कि हम स्टोर से जाके आइसक्रीम लेके खाएं. और मैं अबाया, मैंने अबाया पहना हुआ था, तो वो बंदा कहता कि आप लेबनीज़ हैं. मैंने कहा मैं लेबनानी नहीं हूँ, मैं जो हूँ वो सऊदीया से आई हूँ, इस वजह से मैंने अबाया पहना हुआ है. तो फिर वो कहता कि हाँ मैं जो हूँ ना वो सीरियन हूँ. तो अच्छा हो गया माशाल्लाह, अपने मुसलमान यहाँ पर नज़र आए काफ़ी. तो जी जनाब आइसक्रीम खाने के बाद हुई नहाई धोई, जो उस दिन आप लोगों ने व्लॉग में देखा था. अगर नहीं देखा तो मैं ये ऊपर लिंक डाल रही हूँ उसका, जो इनकी हेयर केयर रूटीन का था, और उसके लिए इन्होंने नहाइयाँ धोइयाँ की थी. तो अपनी बड़ी औलादों को फ्रेश करने के बाद था सुल्तान का टाइम, और सुल्तान साहब मांगते हैं अपना पूरा पूरा टाइम. तो उसके साथ मैं खेल रही थी बॉल्स, और आजकल हमने बड़े मज़े की एक्टिविटी शुरू की हुई है कि वो बॉल्स फेंकता है काफ़ी डिस्टेंस से मेरी गोदी में बैठ के, तो उसका काफ़ी अच्छा फोकस जो है वो हो जाता है. आपने देखा है कभी बहनें आई हैं तो उसका फोकस बिल्कुल आउट हो गया, पहले माशाल्लाह सारी बॉल्स उसकी बास्केट में जा रही थी. तो इसी तरह करते करते हर रोज़ जो है ना हम वो थोड़ी दूर थोड़ी दूर थोड़ी दूर करके रखते हैं बॉल्स, और ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है. या फिर इनके पास बास्केट बॉल नेट है, वो मैं दीवार के अंदर पिन कर देती हूँ. यहाँ पर तो आपको पता है दीवारों में पिन के साथ लग जाता है, और पीछे जो है वो वैक्यूम हो रहा है. मेरी बेटी पता नहीं मन्हा साहब अपने रूम में कर रही है सफाइयों के, इसको बहुत शौक है. फिर आ जाती है जनाब सुल्तान को नैप दिलाने की बारी, और बज गए हैं शाम के 6, और मियाँ ने कहा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, किसी स्टोर में चलते हैं, बर्लिंगटन चलते हैं. और बर्लिंगटन भी मेरी बहुत मोस्ट फेवरेट जगह है, उस सेंस में कि जब मेरी सिस्टर आई हुई थी और हम लोग गए थे तो हमने बहुत इंजॉय की थी, क्योंकि बहुत कुछ था शॉपिंग करने के लिए वहाँ पर. या अल्लाह बच्चे मुझे वॉइस ओवर नहीं करने देंगे, लेकिन मैं फिर भी करूँगी, मैं ढेट बन के करती रहूँगी. मैं आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा पीछे से जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि मैं बड़ी मोटिवेशन के साथ आई हूँ दोबारा वॉइस ओवर करने के लिए. तो बर्दाश्त करो या पास करो मेरे दोस्त. तो जनाब इतनी मैं हैरान हुई जाकर के, बिल्कुल खाली, ना कोई पर्स पड़ा हुआ, ना कोई मेकअप की चीज़ पड़ी हुई, ना कोई ज्वेलरी पड़ी हुई. इतनी ज़्यादा इसके अंदर जो है ना वो वैरायटी होती है. और कभी आप लोग गए हो बर्लिंगटन तो आप लोगों को पता होगा कि बर्लिंगटन एक ऐसी जगह है कि जहाँ जाके बंदा 2 घंटे से पहले बाहर नहीं आता. जी तो सफाइयों के मामले में मन्हा बिल्कुल अपनी दादी अम्मी जैसी है, मतलब कि माशाल्लाह माशाल्लाह उनके घर रात के 2 बजे भी लॉन्ड्री लगी होती है, और वो इतनी एक्टिव हैं कि मैं इंशाल्लाह एक स्पेशल व्लॉग बनाऊंगी उनके बारे में, और आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतने जवान बच्चे होने के बावजूद, पोते पोतियाँ होने के बावजूद माशाल्लाह जो है वो कितनी एक्टिव हैं वो, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट व्लॉग में. और मन्हा जो है वो बिल्कुल अपनी दादी अम्मी जैसी है. अभी आपने देखा कि पूरे दिन में कितना हमने काम किया, और उसके बावजूद मन्हा ने आके जो है वो अपना कमरा कंटिन्यू किया साफ़ करना. और मैं इसको कहती रही हूँ मन्हा मैं कर दूँगी, मैं सुबह कर दूँगी, लेकिन नहीं, मन्हा साहिबा कहती है मैंने करना है. तो माशाल्लाह इसके अंदर इसकी दादी अम्मी की रूह है. When
कौन है घोड़े की है ये? ओ चल स्पाइडर चले जाता उठ जाओ अब भाई को बैठने दो भाई को बैठने दो भाई को बैठने दो ना मैंने इंजॉय किया आप लोगों ने मेरे साथ डे इन माय लाइफ। और अब हो गया था खाना खाने का टाइम, तो ये देखें बैंगन के पकोड़े, मिर्चों के पकोड़े, चटनी, कीमा, करेले और साथ में थे लहसुन वाले नान। तो नान हम लोग रेडीमेड ही लेकर आए थे क्योंकि अभी तक मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई बनाने की। और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी चीज़ी सी ये मिर्चें थी। लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा कि रोज़ों में मैंने कोशिश की थी, वो चीज़ दूसरी थी, एक्चुअली वो मेरा कसूर नहीं था, वो चीज़ का कसूर था। तो आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हुआ तो लाजमी लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। बच्चों के हो गया है सोने का टाइम, मैं उनको सुला दूँ। और आप लोगों ने मेरे फ्रेंड्स के पेजेस पर भी ज़रूर जाना है और उनका डे इन माई लाइफ देखना है। और उनके लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इंशाल्लाह बच गए थे एक और मैं चली बच्चों को सुलाने। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अगर मज़ा आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना है आपने ज़रूर। आप मेरी कोई और वीडियो देखने में भी इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके पास दो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इनमें से किसी को भी क्लिक करके आप उस वीडियो पर जा सकते हैं और सर्कल को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। शब्बा खैर।